लोग शांति बनाए रखिए, कोई फायदा नहीं लड़ाई झगड़े में। और जहाँ तक हो सके आप बंद कर दीजिए भाई लोगों जो भी है इस झगड़े को, जल्दी खत्म कर दो तो बनाइए, इसी में सभी का फायदा है। इसमें लड़ाई झगड़े में सबका नुकसान है, कुछ भी नहीं है। हमारी परेशान हो रही है, छोटी बेटी है मेरी, हाँ जो पीट रही है घर पर, माँ भी यही है उनकी, मैं भी यही है, लेकिन हमारा कोई है नहीं, दादी है वाली वो भी नहीं करी है संग में हमारे, तो काफी परेशान हो रही है बच्ची, पूरे दिन याद करती है माँ बाप बहुत को दोनों को। गोली कैसे लगी थी कुछ उसके बारे में बता दीजिए, कैसे गोली लगी थी, कैसे गोली? जी मैं पत्थर का काम करता हूँ, टाइल्स पत्थर का, मैं दुकान देखने गया था, अपनी दुकान बंद थी, मेरे पिल्लाओं की तरफ से आया पंजाब होकर मैं निकल जाऊंगा घर पर, तो सूत की बंडी में तो कुछ लड़के पथराव करते हुए आते हैं और उनके साथ में पुलिस वाले भी थे, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, इतना गली में क्रॉस हो गया था बस अपनी वाली में, इतने उन्होंने दरोगा ने निकाल के तमंचा फायरिंग स्टार्ट कर दिया, वो मकूल मिला था भागने में, भाग भाग सब हुए, फिर उनको फाइन कर दिया दरोगा थे स्टार है वो। गोली किसकी, उन्हीं की लगी थी? जी हाँ उन्हीं की लगी दरोगा की। अच्छा मतलब उन्होंने उनको लोगों को मारा था, तुम्हारे लग गई गलती से? नहीं नहीं नहीं, उनके संग में आए थे वो पथराव कर रहे थे, पुलिस उनके संग में थी फुल तरीके से। अच्छा हम लोगों को भी मारने के लिए आए थे वो। अच्छा मतलब पुलिस खुद ही चला रही थी? हाँ खुद ही चला रही थी उधर, नहीं हमारे हम लोगों की तरफ ही चलाई थी उन्हें, और हम लोग तो खड़े थे, कोई बच्चे देख रहे थे उधर, बात हो गई थी थोड़ी सुनाई में आ रही थी, और इतनी कोई फिजा भी नहीं खराब हुई थी, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी सुबह ही। जी मैं उसकी गली और कहीं ना मारा तो भागता चले गया था, फूल गया था हमारा महिला है वहाँ पे आने का घर पड़ा था, फिर मुझे उस नहीं है मुझे कैसे हॉस्पिटल ले गए थे, जब यहाँ ला रहे हैं अलीगढ़ के लिए, जब मुझे रास्ते में होश आया था, जब मैंने पूछा कहाँ ले जा रहे हैं, घर वालों ने बताया था अलीगढ़ जा रहे हैं, अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया है, तो मैं वहाँ से कासगंज हॉस्पिटल कॉल ले गया, जिसमें मुझे ध्यान नहीं है। कोई चीज़ की जरूरत